मसाला छोड़ने की विधि छुड़वाने जानने की आशा है किसकी है? हाँ, वो भी हो सकता है। मसाला माना ये है ना तंबाकू, हाँ गुटका, वो भी जो करना चाहते हो कर सकते हो। तंबाकू गुटका जो खाते हैं कोई चाहता नहीं है, क्योंकि एक आदत बने, किसी ने एक दिन खिलाया अच्छा लगा तो खाते हैं, नशा करते हैं। तो उसके जगह पर आजकल क्या करो, रामदेव बाबा का आंवला मिलता है नमक लगाया हुआ है, कुछ होना चाहिए। तो जब भी तंबाकू खाने की इच्छा होती गुटका, मुंह में आंवला डालो, कुछ रखो, मिश्री डालो, चॉकलेट डालो, चॉकलेट भी आजकल ठीक नहीं, इससे कहा मिश्री डालो, नहीं तो आंवला मिलता है मसाला लगा हुआ, वो मुंह में कुछ चाहिए। हाँ, वो अगर कुछ डालो, एक हर चीज की निवारण है। ये छोड़ना चाहते हो तो ये दे दो, ऐसे नहीं सब कुछ छोड़ दो, संभव नहीं है ना, खाली छोड़ दो नहीं, इसके जगह पर ये करो। हर चीज का सब्स्टिट्यूट है, निवारण है, उस जगह पर दूसरा कुछ चाहिए है ना, तो आंवला और देखना एक हफ्ता करके देखो। और फिर भी आप चाहते हो, अगर दीदी मधुबन में आती है तो शांति वन में दवाई मिलती है होम्योपैथी, कभी लेके आपके रखना चाहिए। तो अगर कोई चाहता है सच्चे दिल से मैं शराब तंबाकू छोड़ना चाहता हूं, तो उसके लिए होम्योपैथिक दवाई है। इच्छा है तो सब कुछ साध्य है, अगर इच्छा नहीं है कितनी भी दवाई दे दो काम नहीं करेगी है ना, पहले आपकी इच्छा चाहिए। तो पहले विधि बताया, एक आप करो और उसके साथ दूसरी बहन जी के पास जाके होम्योपैथिक दवाई मिलता है। तीसरा, कम से कम एक 15 दिन रोज आके ध्यान सुनो, मुरली सुनो, इस वातावरण में बैठो, तो ये वातावरण आपको परिवर्तन करेगा। तीनों जगह आत्मा को भी शक्ति चाहिए, शरीर की आदत मिटाने के लिए दवा और दुआ दोनों चाहिए। सिर्फ दवाई काम नहीं करती, सिर्फ दुआई भी काम नहीं करती, दो आप आंवला मुंह में डाल के रखो, शरीर की आदत और आत्मा के अंदर भी शक्ति चाहिए। दृढ़ संकल्प करके छोड़ना है मुझे, वो कहां से मिलेगी? एक 10-15 दिन एक महीना रोज ज्ञान सुनो, योग करो, इधर इस वातावरण में आके बैठो, ये वातावरण आपको उस बुराई से मुक्त करेगा। हो सकता है ऐसा कि कठिन है भाई, बताओ जो कहते हो सकता है, कर सकते हैं ना, कोई कठिन तो नहीं है।